रहे हैं हमारी फाइनल टीपी, और इसके पहले रूम का हाल देखिए। हर जगह पे मतलब ये ही भरा पड़े हैं, ये सारी फाइलें भरी पड़ी हैं, सारी कल चेक होंगी। और कुछ यहाँ पे ये हैं हमारे मॉडल, ये मेरा मॉडल है, वर्किंग मॉडल है ये, होप कल चल जाए, मानव उत्सर्जन तंत्र। और ये है ठोस द्रव गैस की अवस्थाएं, दो मॉडल। और ये मेरे चार्ट, ये नेफ्रोन, और ये शरीर में मतलब किस तरह से हमारा मूत्र बनता है, ये पूरा इसमें ऑर्निथिन साइकिल वगैरह आएगा। और ये पदार्थ की अवस्थाओं का कुछ प्यारा सा चार्ट हमारा। थोड़ा सा काम बचा था मुझे, तो सोचा क्यों ना उन काम को जो है कंप्लीट कर लूँ। फाइनल लेसन प्लान का काम बच रहा था, उसको मैंने कंप्लीट किया रात को, आज भी 2 बज गए थे। तो दोस्तों, बीएड में कुछ इस तरह का काम करना पड़ता है। ये देखिए, एक फाइल और बहुत मोटी मोटी है, 1, 2, 3, 4 फाइलें, एक ऑब्जर्वेशन की फाइल, और ये 6 आपके फाइनल लेसन प्लान्स। ये मेरा चार्ट है कि वर्किंग मॉडल है एक, ओके, और ये है मेरा सेकंड मॉडल जो कि नॉन वर्किंग है। तो जो बोलते हैं कि बीएड में बहुत कम काम करना पड़ता है एचपीयू में के, तो वो ये सब देख सकते हैं इनके पीछे की रातों की मेहनत। और ये इतनी मोटी मोटी फाइलें हैं, ये कम नहीं है, ये 400-400 पेजेस की फाइलें हैं ये, ओके। बहुत सारा काम है, बहुत सारा। सो इट वॉज़ द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने सुबह उठ के पानी वगैरह पिया, अपना बिस्तर वगैरह पैक किया और निकल पड़े अपने काम के लिए। ये सामने हसीन पहाड़ियाँ, ये बादल बहुत याद आएंगे, बहुत याद, डेली यहाँ से खिड़की से बाहर दिखते थे। एक बार अपने फाइनल लेसन प्लान देख लेते हैं कि लिखा क्या है, पढ़ाना क्या है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है हमारी फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस, तो मैंने सारा सामान जो पैक कर लिया है, 2 रातें होगी कंटिन्यूसली मेहनत करते हुए, तो बस आज का दिन जो अच्छा जाए, यानी कि आज के जो 10-15 मिनट होंगे, 10-15 मिनट की गेम है सारी, वो बढ़िया से जाएँ, तो फिर फाइनल टीप अच्छी होगी, अच्छे नंबर आ जाएंगे, मज़ा आएगा। फिर तो बताता हूँ आपको पूरे दिनचर्या में क्या क्या होगा, बहुत नर्वस है सारे लोग, देखा तो मैं भी आपको। मैंने ये सारा सामान कर लिया पैक, ये मॉडल ढक दिए, ये चार्ट है, एक बैग ये है और एक बैग ये है। तो फिर मिलते हैं आपसे सीधा स्कूल में। तो दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं, ये मेरा रूममेट अभेश शिवांश भारद्वाज जी, हमारे मॉडल्स ढक दिए हमने, पूरा सामान लेके हम जा रहे हैं टीपी के लिए। ये बहुत सारे मॉडल्स ऑर्डर, ये आ गए यहाँ पे मॉडल, मॉडल शॉटल, ये है गास्टर जी का मॉडल, बहुत सुंदर मॉडल बनाया है इन्होंने, मतलब बहुत क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव। ये 3D है, ये इनके हैं कुछ, ये करवाएंगे प्राकृतिक सूचक के ऊपर, आगे चलते हैं। ये है एक मॉडल और, फ्लावर बनाया इसने, बहुत सुंदर। कुछ मॉडल यहाँ, वाह, कर रहे हैं, अभी नहीं आए, सभी काम करते हुए, वो सारे बिजी अपने अपने कामों में, बहुत सारे लोग बिजी। मेरे दिल ये हर्ष रहा है, हर्ष जी का दिल, कोई यार वीडियो बना रहा है, पता नहीं किस चीज का दिल है ये। बहुतों के पास है ये, है मृदा, क्या बोलते हैं इसको, परिच्छेदिका, परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल, बहुत सारा काम बनाने वाले ढके बड़े नहीं, ठीक है, सुनो ना, ये एक और आया, ये बड़ा सा मॉडल। हेलो हेलो, रख दो नीचे, नीचे रख दो, ये मॉडल शॉटल तैयार। बहुत बसर मची पची है आज फाइनल लेसन प्लान और फाइनल टीपी के लिए। ये है इंदु जी का फुकू यंत्र, बड़ी क्रिएटिविटी दिखाई इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ से ये ऐसे बुकिंग है, ये फूलेंगे, वेरी गुड, ये है अच्छे से, लगता है अभी कोरोना से ठीक हुआ है। तो ये रही अपनी क्लास, इस क्लास में होगी हमारी फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस, जो कि नहीं हुई। तो टीचिंग प्रैक्टिस के बाद ये रहे मेरे मॉडल, जो इनकी काम अच्छे से हुआ, वर्किंग मॉडल अच्छे से चला। ये मेरे चार्ट्स पड़े हैं और इनका काम भी हो गया ख़त्म। अब हम यहाँ पे बाकी बच्चे अपने व्यारी का वेट करते हुए, लंबी कतारें लगी थी कि कब हमारी जो है वो टर्न जो हो आएगी। कुछ मॉडल यहाँ पड़े थे, तो ये सामने थे हमारे ऑब्जर्वर सर और ये हमारी मैम, इसका निका हंडा मैम। कुछ इस तरह से हुई हमारी ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, अभी मेरी फाइनल टीपी कंप्लीट हो चुकी है, वाइवा भी हो गया ऑब्जर्वेशन वाला, अब मैं हूँ फ्री, अब मेरी फाइनली हो गई है मेरी बीएड कंप्लीट। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर मैं दिखा सका, मैंने किसी को बोला वीडियो बनाने को, किस तरह से हमारी फाइनल टीपी जो चलती है, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ओके, तब तक के लिए बने रहे। तो यहाँ पे हो रहा है हमारा वाइवा, तो यहाँ पे वाइवा हुआ, यहाँ पे सारे मॉडल्स रखे थे
और यहाँ पे मैम बैठे थे, यहाँ पे वाइवा जो है हमारा हो रहा था, कुछ लोगों का हो चुका था, सबसे पहले मेरा ही हुआ था। और यहाँ पे हमारे सहपाठी अपनी बारी का वेट करते हुए कि कब हमारी बारी आएगी ऑब्जर्वेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के वाइवे के लिए। और एक बार फिर से घुस गया मैं कमरे के अंदर जहाँ पे मॉडल ही मॉडल पड़े थे। हमारे अमर जी का जस्ट वाइवा हुआ था, हमारे छोटे भाई अमर जी। तो यहाँ पे हर जगह पे मतलब मॉडल ही मॉडल, फाइलें ही फाइलें बिखरी। यहाँ पे कलाकारी दिव्या, किरण, अमरु, दीपक, आई डोंट नो, अभी तक अपनी बारी का इंतजार करते हुए छात्र, कुछ लोग अभी भी काम में लगे हुए, यहाँ पे मस्ती करते हुए। कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? सेम टू, हम भी आपको बहुत याद करते हैं। अमर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा लगा, जैसे पार्टी दोस्त नहीं और तो क्या ही बोलना, बहुत ही अच्छा अच्छा जाएंगे यार, मत करो। बहुत मेमोरेबल मेमोरीज है हमारी यहाँ की, जाने का मन नहीं है पर हाँ जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मीनाक्षी कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये सोचा था कि टाइम पास हो जाएगा बट ऐसा नहीं था, एंड तक बहुत अच्छा था, लास्ट में बुरा लग रहा है कि हम सच में जा रहे हैं, दिल से भी बुरा लग रहा है मुझे। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मतलब ऐसा लगेगा। सभी बी एड वाले नौजवान यही आगे टीजीटी लगने वाले हैं। तो इसी के साथ आज की फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस के साथ हमारा बी एड का सफर भी यहीं ख़त्म। अगर कोई सप्ली वगैरह नहीं आई तो बी एड कम्प्लीट हो जाएगी, एक और डिग्री हमारे नाम होगी। तो बहुत अच्छे दोस्त मैंने बी एड में, कुछ दोस्त जो हैं वो काफ़ी मतलब दिल के करीब आ चुके हैं। तो इसी के साथ हम अभी वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।